नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज लास्ट खबरों की। ज्ञानव्यापी के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानव्यापी परिसर का अब एएसआई सर्वे होगा। ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी भी मिल गई। परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे हो, ये कोर्ट ने कहा है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। 3 से 6 महीने में सर्वे पूरे होने की उम्मीद। 4 अगस्त तक एएसआई सर्वे को रिपोर्ट भी देने। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया, लेकिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सर्वे होगा, कोर्ट ने कहा। फैसले के बाद वाराणसी कोर्ट परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। राजस्थान राज्य लवकुश बोर्ड का गठन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड के गठन की मंजूरी दी। काछी, कुशवाहा, शाक्य और बागवान समाज के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन। समाज की मूलभूत सुविधाओं जैसे पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में काम होगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल। तो अब सरकारी कॉलेजों में भी मिलेगी प्लेसमेंट की सुविधा। राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दी। योजना के क्रियान्वयन के लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए गए। प्रथम चरण में 100 महाविद्यालयों में ये सुविधा उपलब्ध। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण भी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रियंका गांधी की रैली। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया, कहा मणिपुर 2 माह से जल रहा है। मणिपुर पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोली। 77 दिन तक मणिपुर पर केंद्र सरकार नहीं बोली है। वॉकाल राजनीति में देश के मुद्दों को सरकार। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साध दिया, कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा अचानक से बदल गई। महंगाई आज देश में बड़ा मुद्दा है। देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। प्रियंका गांधी गर्जी है और मणिपुर का जो मामला रहा है उसके बाद देशभर की बेटियों में एक आक्रोश, एक पीड़ा, एक दर्द है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी रैली में कुछ इस तरह की बात की। मोदी सर ने मानहानि प्रकरण में आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पुणेश मोदी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में जवाब मांगा है। जस्टिस बी आर गवई की बेंच में सुनवाई हुई। अब 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति में डोटासा की सोशल इंजीनियरिंग देखी गई। कमेटी में की गई सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश। 2 महिला मंत्री ममता भूपेश और शकुंतला रावत को शामिल किया और कुल 16 मंत्रियों को कमेटी में शामिल किया। 2 मुस्लिम नेता सालिम मोहम्मद और जुबैर खान को भी शामिल किया गया। वहीं 5 जाट नेताओं को कांग्रेस चुनाव समिति में जगह मिली। 4 गुर्जर नेता और 4 एसटी वर्ग के नेताओं को भी कमेटी में जगह मिली। और कल ही चुनाव समिति की वो लिस्ट सामने आई। देखिए 29 नाम आए थे। इसमें कैबिनेट से भी मंत्री लिए गए हैं, राज्य मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है। और चर्चा इस बात की थी कि कहा जा रहा था कि जो लिस्ट आई है उसमें सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि देखिए अब ये वही लोग हैं जो चुनाव में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे और कोशिश रहेगी सरकार को रिपीट कराने। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस की नई चुनाव समिति का गठन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में गठन हुआ है। समिति में दिखी है डोटासरा के प्रभाव की झलक। किसान कौम के चेहरे को कांग्रेस सालाकमान ने वरीयता दी। संभवतः राजस्थान में ये पहला अवसर है जब चुनाव समिति के गठन में पीसीसी चीफ को इतनी तवज्जो मिली। इसका अर्थ यह है कि टिकटों के चयन में भी डोटासरा का बड़ा रोल रहने वाला है और इस पूरे घटनाक्रम में डोटासरा का कद भी बढ़ा दिया। पिछले कुछ दिनों में लगातार मजबूत हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा।
अभी और बढ़ेगा एनडीए का गुस्सा। चार क्षेत्रीय दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भाजपा से जुड़े सूत्र के हवाले से खबर है, उत्तर प्रदेश के तीन क्षेत्रीय दल जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, बिंद समाज, जनवादी पार्टी और महान दल को एनडीए में शामिल किया जा सकता है। बिहार की वीआईपी पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ आएंगे बांसवाड़ा। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा में कार्यक्रम में शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और आज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, अर्जुन बामनिया ने कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण भी कर लिया। दौरे को लेकर कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और एसपी अभिजीत सिंह को निर्देश दे दिए। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। ममता के आवास परिसर में घुसा हथियारबंद युवक, बंदूक और चाकू के साथ हथियारबंद युवक घुसा। संदिग्ध युवक के पास से कई पहचान पत्र भी बरामद हुए। संदिग्ध युवक को लेकर कोलकाता पुलिस का बयान सामने आया है। कहा कि काली गाड़ी में आया था ये संदिग्ध युवक। युवक ने सुबह 11:30 बजे सीएम आवास में घुसने की कोशिश की। संदिग्ध युवक नूर आलम की कार पर पुलिस का स्टिकर लगा था। अब संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है कोलकाता पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ को राहत। पाकिस्तान की एक अदालत ने करोड़ों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत उन्हें। पाक पीएम शहबाज शरीफ को परिवार समेत बरी किया था। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी अदालत के समक्ष ठोस सबूत देने में विफल रही। अदालत ने पीएम शहबाज शरीफ की एक बेटी को भगोड़ा घोषित किया था। राबिया को भगोड़ा घोषित किया गया था, उसके खिलाफ जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। मामले में नाम आने के बाद रिटेन में है राबिया इमरान। राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए नहीं कह सकते। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका। 8वीं अनुसूची के तहत किसी भाषा को शामिल करना ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम परमादेश जारी कर सकें। यह एक नीतिगत मामला है। सीजेआई ने पूछा सिर्फ राजस्थानी ही क्यों, अन्य भाषाएं क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के पास जाने को कहा। वहीं सीजेआई ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए कोर्ट की दखल देने से इनकार कर दिया। सौर के बाद अब विंड एनर्जी में भी प्रदेश होगा अव्वल। देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। 150 मीटर पर पवन चक्की लगाने पर 284 गीगावाट बिजली उत्पादन। अब तक इससे 127 गीगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। लेकिन जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में रहती तेज हवा और सरकार विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बड़े निवेशक लाने की तैयारी। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दिशा में नई पहल सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में अब वैकल्पिक उर्वरकों के साथ बढ़ेंगे किसान। खेती में रासायनिक खाद का असंतुलित इस्तेमाल बड़ी समस्या बना था और कई वर्षों से भारतीय किसानों में संरचनात्मक बदलाव के प्रयास भी हो रहे थे। भारतीय कृषि नीतियों में परिवर्तन, निवेश, वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तक्षेप में किया जाना है। पिछले माह ही आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने यूरिया पर सब्सिडी जारी रखी थी और ऐसे में ऑर्गेनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं को भी मंजूरी दी गई। सीजीएसटी और कस्टम में तबादले। 4 उपायुक्त और 7 सहायक आयुक्तों के तबादले हुए। उपायुक्त नरेंद्र असेरी सुरेश चौधरी को कस्टम में सीजीएसटी जयपुर जोन में लगाया गया, जबकि उपायुक्त निशित शर्मा और देवेंद्र मीणा का कस्टम में ही तबादला हुआ।
सहायक आयुक्त अनुपमा सक्सेना, राजेंद्र महावर, सागर प्रकाश पवार, कजोड़मल मीणा, प्रशांत कुमार, रामनरेश महला, विजय प्रकाश का कस्टम से सीजीएसटी जयपुर जोन में तबादला किया गया। एक अन्य आदेश में अतिरिक्त आयुक्त महावीर सिंह मीणा का तबादला हुआ सीजीएसटी।